मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान बक्सर में ट्रेनों को रोक जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को निकालने के लिए आउटर पर दो ट्रेनों को 15 मिनट तक रोक कर रखा गया। इस वजह से यात्री ट्रेन से उतरकर पैदल ही बक्सर स्टेशन पर जाने लगे। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को कहूंगा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, किसी व्यक्ति के लिए किसके इशारे पर पैसेंजर ट्रेन रोकी गई। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पूछा कि ये समाधान यात्रा पर आए हैं या पिकनिक यात्रा पर। वीआईपी को पास कराने के लिए रोड ब्लॉक करना तो आम बात है, लेकिन बक्सर में ट्रेनों को भी रोक दिया गया। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के लिए बक्सर गए हुए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार चक्की प्रखंड के हिनवा गांव में महादलित बस्ती का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। लेकिन जब वापस लौटने के दौरान सीएम का काफिला रेलवे गुमटी से होकर गुजरने वाला था, सीएम के काफिले को जाने देने के लिए पूर्वी इटाडी रेलवे गुमटी को खुला रखा गया और करीब 15 मिनट तक ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले के बाद सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नाराजगी जाहिर की है और पूरे मामले की जांच कराने की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बक्सर में समाधान करने आए थे और चारों तरफ व्यवधान उत्पन्न होता रहा। बक्सर में इटाडी गुमटी के पास से उनका काफिला गुजरा, इसके लिए ट्रेन रोकी गई। घंटों बक्सरवासी परेशान रहे। रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इसकी जांच कराए। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो थाली बजाते हुए दिख रहे हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार को वापस लाओ। जब वो बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर वासियों का समाधान नहीं हुआ, वहां के किसान का समाधान नहीं किए, फिर कैसे चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस लाओ और थाली बजाकर उनके समाधान यात्रा का विरोध करते हुए दिखे हैं अश्विनी चौबे। आगे क्या कुछ होता है बताते हैं अगली अपडेट में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। Yeah.